हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल. दिस इज डॉक्टर राकेश सिंह परस्ते, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हरदा मध्य प्रदेश इंडिया. एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब एकेडमिक चैनल. एंड वंस अगेन टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ग्रामर कोर्स. बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल दैट ग्रामर कोर्स इज द रूट ऑफ एनी लैंग्वेज. एंड यू नो वेरी वेल दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड सो मेनी वीडियोज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. I have uploaded your unit first study material from BA, BCom, BSc, first year, second year and final year students. Okay, and today I am going to talk about your unit seconds, that is grammar course. From unit seconds, your grammar course will be started, basic language skills. And I have already talked about what are the basic language skills. So in English, you can say there are four basic skills. LSRW. So these are the four basic skills. LSRW. So we should have the good command over of all these four skills. तो इसी skills को ध्यान में रखते हुए हमको ये video को complete करना है. और ये video ना सिर्फ school या college level के university level के students के लिए होगा, बल्कि उन सभी students के लिए होगा जो English ग्रामर पढ़ते हैं. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज है और इंग्लिश तो सबके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है ही है. एक तो आप लिटरेचर के स्टूडेंट होते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा. आप ये कह सकते हैं कि ये वीडियो एक जो स्टूडेंट जो मिडिल स्कूल से या कि प्राइमरी स्कूल से पढ़ता है और लास्ट जब हम यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाई करते हैं तो पर भी इंग्लिश बहुत ही कंपलसरी होती है. और जब भी हम कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन में इंग्लिश लैंग्वेज की पूरे मतलब पोर्शन आने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड प्रपोजिशन, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी वीडियो बना चुका हूँ. और आप मेरे YouTube चैनल में आप जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पूरा वीडियो आपको पूरा सीक्वेंस से आपको मिल जाएंगे. मैंने ऑलरेडी हाउ टू यूज ऑफ आर्टिकल्स बनाया है और मतलब व्हेन नॉट टू यूज ऑफ आर्टिकल ये भी बनाया, जो कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका ग्रामर कोर्स का. इसलिए इंपॉर्टेंट इसको बोला मैंने क्योंकि आपकी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो तो इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल्स, ये कि चूज द करेक्ट आर्टिकल्स ये पूछा ही जाता है. एक्टिव पैसिव वाइज बदलने के लिए आते हैं, नारेशन आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नारेशन आते हैं, टेंस आते हैं. तो आज हम चर्चा करेंगे. ये वीडियो मैं एक तरह से सभी स्टूडेंट्स के हित में हो, सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो, इस पर्पज से ये मैं जो वीडियो बनाऊंगा. तो आज जैसे कि हम ऑलरेडी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और हम पढ़ भी चुके हैं, जो टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ये आपकी बीए, बीएससी, बीकॉम की जो सेकेंड ईयर, फाइनल, थर्ड ईयर तीनों ईयर की जो फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस में है, जिसमें आप पाएंगे यूनिट थर्ड में और फर्स्ट ईयर में आप पाएंगे तो यूनिट सेकेंड में पा जाएंगे. सो यूनिट सेकेंड और थर्ड में ये हर ईयर की, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, ये आपके सिलेबस में है टेंस. इसके बाद वाइस. तो इसमें मैं बताना चाहूँगा जब तक कि आपको टेंस बनेगा नहीं आप एक्टिव से पैसिव वाइस कर ही नहीं सकते. तो सबसे पहले यू शुड नो वेरी वेल दैट व्हाट इज टेंस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस एंड हाउ टू यूज ऑफ टेंस. ओके, तो आज हम चर्चा करेंगे. तो ये LSRW जो बेसिक लैंग्वेज स्किल्स है, ये सारी चीज़ें जो हमको आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नारेशन, यही स्किल्स हैं. तो L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, S स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, R स्टैंड्स फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग. तो ये एक मैं आपको बताना चाहूँगी इसको बेसिक लैंग्वेज स्किल्स क्यों बोला जाता है. जैसे आपकी ये एक एक कार है. ओके, कार है आपके पास, आपको कार ड्राइविंग करना है. कार ड्राइविंग करना है, सबसे पहले प्रैक्टिकल चीज़ बताऊँगा, डायरेक्ट उसमें नहीं जाऊँगी कि बच्चों आज हम टेंस पढ़ेंगे, ऐसे नहीं. सबसे पहले हम ये समझेंगे इंग्लिश एक कार है, मतलब एक लैंग्वेज. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज जस्ट लाइक हिंदी इज अ लैंग्वेज. इफ़ यू कैन स्पीक हिंदी, यू कैन स्पीक बंगाली, यू कैन स्पीक गुजराती, यू कैन स्पीक मराठी, सो यू कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल. इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज. यू नो वेरी वेल दैट एंड यू शुड हैव द गुड कमांड ओवर ऑफ इंग्लिश. सो इफ यू हैव अ गुड कमांड ओवर ऑफ इंग्लिश सो यू कैन अचीव बेटर अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ एंड यू नो वेरी वेल दैट, है ना, बताने की जरूरत ही नहीं है. तो जो ये फोर बेसिक स्किल्स हैं, इन बेसिक स्किल्स को हमको कंप्लीट करना है. एल फॉर लिसनिंग, एल फॉर होता है हमारा लिसनिंग स्किल. ओके, एस फॉर होता है हमारा स्पीकिंग, आर फॉर होता है हमारा रीडिंग और डब्ल्यू फॉर होता है हमारा राइटिंग. ओके, सो दीज आर द बेसिक स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू नो वेरी वेल दैट
इफ आई एम टॉकिंग, यदि मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, सो यू कैन लिसन वेरी वेल दैट कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप आसानी से उसको सुन सकते हैं, समझते हैं। यू कैन राइटिंग इंग्लिश वेरी वेल दैट, मेरे से बेटर राइटिंग भी आप लिख सकते हैं, ये भी स्किल आपका सही है, ये भी स्किल सही है। मेरे से फास्ट आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, रीडिंग इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग ओनली वन स्किल्स, दैट इज स्पोकन इंग्लिश, ओके। सो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दीज फोर बेसिक स्किल्स। तो इसमें से आपको ये स्पीकिंग स्किल्स को सुधारना है, क्योंकि भाई आपकी कार है, कार में चार पहिए होते हैं, एक पहिया यदि पंचर है, मान लो यदि वो बिगड़ा है, यदि कमजोर है, तो आपकी गाड़ी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो इसको चलाने के लिए आपको ये चारों जो पहिए हैं, व्हील हैं, ये पूरे परफेक्ट होना चाहिए और इनमें आपका गुड कमांड ओवर होना चाहिए, तभी ये इंग्लिश रूपी मतलब गाड़ी जो है, कार आपकी चलेगी और डेफिनेटली चलेगी। आइए शुरुआत करते हैं आज की मेन टॉपिक पर। तो ये जो टेंस है, अब ये बिल्कुल मत सोचिए कि टेंस तो सर हम मिडिल स्कूल से पढ़ते आए हैं कि मैं पत्र लिखता हूँ, माँ खाना बनाती, नहीं। इसको समझो टेंस को एक प्रैक्टिकल वे से समझो कि एक्चुअली टेंस है क्या। तो सबसे पहले आज के हम टॉपिक के बारे में शुरुआत करेंगे, सॉरी थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है, सो डोंट माइंड इट। ये जो टेंस है, टेंस एक्चुअली है क्या, हम शुरुआत से अभी इतने दिन से मतलब हम पढ़ते आ गए, हम स्कूल्स लेवल कंप्लीट कर लिए, अब हम कॉलेज में आ गए, यूनिवर्सिटी में आ गए। अब हमसे पूछा जाएगा, यदि मैं आपसे पूछूँ कि टेंस जो है किस शब्द से लिया गया है, कौन सी भाषा के शब्द से टेंस जो है लिया गया है, तो आपके आंसर्स क्या होंगे? तो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं डाउट्स को क्लियर करते हुए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो टेंस क्या है? टेंस इज अ वर्ड, सबसे पहले उसको जड़ तक समझो। टेंस इज ए वर्ड, एक शब्द है, ओके। टेंस इज अ वर्ड विच इज टेकन फ्रॉम, विच इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। लैटिन लैंग्वेज टेम्पस, टेम्पस विच मीन्स टू टाइम, विच मीन्स टू टाइम, ओके। क्लियर हुई? टेंस क्या है? एक शब्द है, कुछ नहीं है, एक शब्द है भाई। कोई भी शब्द की शुरुआत कोई ना कोई लैंग्वेज भाषा से होती है, ओके। सो जस्ट लाइक टेंस इज ए वर्ड विच इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। अब ये आपको पता चल गया कि ये कहाँ से लिया गया है, कौन सी भाषा से? लैटिन की भाषा से ली गई है। लैटिन के किस शब्द से ली गई है? ये लैटिन के टेम्पस नामक शब्द से ली गई है, TEMPUS, टेम्पस नामक शब्द से ली गई है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में टाइम और हिंदी में हम बोलते हैं समय या काल। तो हर किसी की लाइफ में समय तीन दौर से गुजरता है, एक वर्तमान समय होता है, प्रेजेंट टाइम जिसे बोलते हैं, और ये समय जब गुजर जाता है तो हमारा पास्ट हो जाता है, और आने वाला भले वो एक सेकंड आगे आने वाला हो, जिसको हम अभी तक देखे नहीं है, जानते नहीं, बस आने वाला है, अनुमान लगाते हैं, वो फ्यूचर टेंस होता है। तो ये टेंस की डिफिनेशन है। जब भी आपसे आप कोई पूछे कि टेंस व्हाट इज द डिफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस, तो आप सिंपल ये कहिए, टेंस इज ए वर्ड विच इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज टेम्पस विच मीन्स टू टाइम, इन हिंदी वर्ड्स यू कैन से समय या काल, ओके। तो आज हम चर्चा करेंगे, एज यू नो दैट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, मैं इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों को आता है, शुरुआत से पढ़ते आए हैं आप, कि टेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, past and future tense, okay? And each tense has been divided sub four parts. So, जो तीनों टेंस हैं, present, past, future, ये चार चार इनके उपभाग हुए, okay? Present tense के चार उपभाग हुए, present indefinite, present continuous, present perfect और present perfect continuous, okay? इस तरह से past के हुए, इस तरह से future के हुए, तो 12 इनके क्या हो गए? सब parts, उपभाग हो गए, okay? तो सबसे पहले आज हम present tense के जो first part है, indefinite है, उसमें हम चर्चा करेंगे, okay? तो आज हम चर्चा करेंगे present tense। मैं ये टेंस से इसलिए शुरुआत किया, ये वैसे ये मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए अच्छा रहता है, लेकिन जब मैं कॉलेज के स्टूडेंट से भी मैंने पूछा तो कहे कि सर हमको टेंस एक बार अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से कहने का मतलब, तो कहीं ना कहीं हमारे टेंस में हम तो पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो इस वीडियो का आई एम प्रीटी श्योर दैट कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का पहला जो पार्ट है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और इस तरह से मैं पूरा सिक्वेंस वाइज हर टेंस की मैं एक एक
वीडियो बनाऊंगा। तो इसको ध्यान से समझिए और एक बार मुझे समय दीजिए, 10 या 15 मिनट के वीडियो हो सकता है, इसमें आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको समझते हैं हम। प्रेजेंट पहला भाग होता है इसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ओके, और प्रेजेंट का दूसरा भाग होता है कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और इसके बाद तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो सबसे पहले एक बार मैं लिख ही देता हूं, प्रेजेंट का दूसरा भाग होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, एंड थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, एंड फोर्थ एंड लास्ट दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। ये जो वर्तमान समय होता है, वर्तमान समय हमारे सामने हमारे लाइफ में चार भागों में मतलब गुजरता है। कैसे? यदि हम कहें अभी हम पढ़ते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है और ये कंटिन्यू हम ये करते जाएंगे, यही हमारा एक्शन जो है, क्रिया है, तो वो कंटिन्यूस टेंस कहलाएगी, कंटिन्यू चलने वाली। और यही चीज आज हम जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट को पढ़ के जैसे कंप्लीट होंगे तो हमारे लिए परफेक्ट हो जाएगी। हम कहेंगे आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, मतलब पढ़ चुके हैं। और इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक कंटिन्यू जो वर्क होगा वो कंटिन्यूस होगा और उसमें टाइम बताया रहेगा, मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। अब इस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को समझने की कोशिश कीजिए आप, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट या दूसरे शब्दों में इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं इसको? सिंपल टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट या कि प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, इसको समझो, थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड्स मीनिंग। वर्तमान में कोई चीज़ जैसे कार्य कर रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने वर्तमान में हूँ, मेरे सामने आप हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये इंडिफिनिट कैसे है, अनिश्चित कैसे है? दैट इज अ क्वेश्चन अराइजिंग शुड योर माइंड। ओके, भाई कोई काम जैसे वर्तमान में हो रहा है फिर भी अनिश्चित है, जैसे मैं कहूँगा मैं पत्र लिखता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी वह अनिश्चित कैसे है? वो तो निश्चित होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट में इंडिफिनिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी टेंस में एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, जो हम वर्क करते हैं वह इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम कहेंगे माँ खाना बनाती है, बनाती तो है लेकिन वर्क जो है अभी चल रहा है, लेकिन इसका जो टाइमिंग है, टेंस है, टाइमिंग है, वो एग्जैक्ट नहीं बता रहा है। कैसे? कितने टाइम से बनाना स्टार्ट की माँ? वी डोंट नो। कब बना के कंप्लीट करेगी? वी डोंट नो। ओके, लेकिन माँ अभी इस वक्त खाना बनाती है, प्रेजेंट टाइम में उनकी एक्शन चल रही है, लेकिन जो टाइम है वो कंफर्म नहीं हो पा रही है कि कब बना के कंप्लीट करेगी। बनाती तो है ना, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल टेंस बोला जाता है। ओके, तो इसमें जैसे हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, टेंस में हम जब भी पढ़े हैं तो हमें ये पढ़ाया गया है या पढ़े हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस वह टेंस होता है जिनके हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, यदि आपकी या मेरी या किसी की भी पोस्टिंग, जब आप प्रोफेसर बनोगे, टीचर बनोगे या कुछ भी बनोगे, यदि आप कोई साउथ के केरल में हो या नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में हो, कहीं भी हो जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, और वहाँ जाके मैं बताऊँगा कि बच्चों आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, इंडिफिनिट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस वह टेंस होता है जिसके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट कहलाता है, तो क्या उनके लिए सही होगा? वो तो कहेंगे सर वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज ता है, ती है, ते है, बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज। ओके, वी कैन स्पीक मलयालम लैंग्वेज, वी कैन स्पीक तमिल, तेलुगु लैंग्वेज, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज, सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ता है, ती है? सो दैट इज द क्वेश्चन। सो इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पढ़ने और पढ़ाने की जो मतलब एक ट्रेडिशन चली थी, वो मैं आई एम सॉरी टू से, बट मैं यही कहूँगा कि हमको जो भी जानकारी अभी तक मिली थी है ना, वो गलत मिली थी। तो इसको काफ़ी रिसर्च के बाद आपको ये मतलब इसमें समझना है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल टेंस में मतलब जो एक्शन होता है, ठीक है, एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश एक समोसा है, मैं शुरुआत से आपको बोलते हैं समोसा, SHMO, ये समोसा है। S फॉर हेल्पिंग वर्ब, S फॉर सब्जेक्ट, H फॉर हेल्पिंग वर्ब, M फॉर मेन वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट जो होते हैं इंग्लिश में, सिर्फ दो हाथ में सब्जेक्ट कह लीजिए, एक साइड आई, यू, वी, दे प्लूरल नंबर, एक साइड ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर, बस इंग्लिश में इतने ही सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हेल्पिंग वर्ब से उस टेंस की पहचान होती है, एम इज आर, वाज, वेयर, डू, डज, शैल, विल, शैल हैव, विल हैव। ओके,
मेन वर्ब जो जिससे ये टेंस की पहचान होती है, जो एक्शन हम कर, जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, दैट इज माई मेन वर्ब। ओके, ऑब्जेक्ट जो मैं मेन ऑब्जेक्ट, कर्म क्या है मेरा, आज मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो ये समोसा है, इस समोसों को आप खाइए। ठीक है, देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस में क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस इज यूज फॉर, इसको थोड़ा सा आप रखिएगा, है ना, इसके डिफिनेशन में आप ये कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज फॉर, मतलब इसकी यूज आप किन चीजों के लिए करेंगे, यूज फॉर हैबिचुअल एक्शन। ओके, जो आपकी हैबिचुअल हो, हैबिचुअल, ओके, हैबिचुअल एक्शन, और नेक्स्ट आप कह सकते हैं रिपीटेड एक्शन। ओके, ये चीज याद रखिए, हैबिचुअल एक्शन, ताहती है वो नहीं समझ रहे हैं आपको। ओके, मैं हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के यही डिमांड होती है कि सर हमें मतलब टोटल इंग्लिश में आप पढ़ाएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स की, स्कूल्स कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए इसको कंबाइंड लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ताकि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे से इसको समझ सके। ओके, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ जो प्राकृतिक सच्चाई है, जैसे कहेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है। ओके, द अर्थ मूव्स राउंड इन द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। सो दीज आर द सेंटेंस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। इसके बाद आप और कर सकते हैं, मेरे पास आज पेपर है, इसमें मैं भी आपको बताऊंगा कि जैसे परमानेंट एक्टिविटीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कोई सिद्धांत हैं। ओके, प्रिंसिपल्स ये कि परमानेंट एक्टिविटीज, परमानेंट एक्टिविटीज, ओके, परमानेंट एक्टिविटीज और एंड मेंटल एक्टिविटीज आल्सो, मेंटल एक्टिविटीज, ओके, एटसेट्रा। तो इस तरह से इसकी डिफिनेशन होती है, और हमने शुरुआत से क्या पढ़े हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वेस्ट टेंस होती है जिसके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, आते, उसको भूल जाओ, अब यहां आ जाओ, इसको हम प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, सो व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दैट डिनोट्स टू द एनी वर्क विच इज डन एट दिस प्रेजेंट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम और एग्जैक्ट टाइम में जो भी एक्शन कंप्लीट होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है किन शब्दों के लिए, हैबिचुअल एक्शन, जो हमारी हैबिट है। मैं कहूँगा मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सो दैट इज हैबिचुअल एक्शन। रिपीटेड एक्शन, यू कैन से जैसे मैं 10 बजे कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज एट 10 o'clock। ओके, वो आज जाता हूँ, कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा। ओके, सो ये रिपीटेड एक्शन है। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ वो ट्रूथ होती है जिसको मतलब पूरे विश्व के लोग इसको मानते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, प्रिंसिपल्स कुछ सिद्धांत हैं, कुछ परमानेंट एक्टिविटीज हैं, हम कहेंगे 2 and 2 make 4, 2 and 2 मिलकर 4 होते हैं, अब थोड़ी ना कहोगे 5 होते हैं, है ना, ये तो बिल्कुल परमानेंट एक्टिविटीज हैं। एंड मेंटल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज जो मानसिक एक्टिविटीज है हमारी, जैसे कि वी बिलीव इन गॉड, हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे चर्चा करते हैं कि इसके व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। HV फॉर हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो यहां हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसके होते हैं हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब इसमें डू नॉट और डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू नॉट, डज नॉट। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है, वो कैसे होती है, इसको आइए समझते हैं हम यहाँ। ओके, इसको मिटाएं, आप इसको नोट भी करते जाइएगा। ओके, आप जब भी आप इंग्लिश स्टडी करेंगे तो इसको रटना नहीं है, रटेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसको आपको समझना है, अंडरस्टैंडिंग पावर को आप क्रिएट कीजिए। ओके, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ओके, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, समोसा, आइए समोसा बनाता हूँ और आपको समोसा खिलाता हूँ मैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इफ एप्लीकेबल, यदि लागू हो तो, इसके बाद आएगा आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
इसके साथ एस ई एस और आई ई एस लगेंगे और लास्ट में लगेगा आपका ऑब्जेक्ट। ओके, ये वीडियो पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद ही पूरा समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, क्योंकि जनरली हमारे जो सेंटेंस होते हैं कितने होते हैं, तीन होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे सकारात्मक सिंपल वाक्य बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट लगा रहता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक होता है। इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, एक में जिसका आंसर हाँ या नहीं में दे सकते हैं, ओके, और एक वो इंट्रोगेटिव होता है जो कि डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत होता है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हेयर, ओके, व्हाट इज योर नेम, आप अपना नाम बताओ, माय नेम इज सो एंड सो। बट मैं कहूँगा एक वो होते हैं जिसका आंसर आप यस या नो में देते हैं, जिसका जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब्स होती है। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम प्ले क्रिकेट खेलते हो, डेफिनेटली कहो यस आई प्ले क्रिकेट। लेकिन मैं कहूँगा व्हाट आर यू डूइंग, उसमें नहीं कहोगे यस नो, ऐसे नहीं बोलोगे, उसमें कहोगे यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट या कुछ भी जो भी आप करते हो, ठीक है। तो ये जो है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सबसे पहले मैं अफर्मेटिव बनाऊँ, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव सीखते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, सबसे पहले मैं कहूँगा एक सेंटेंस, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ। अब इसमें मत जाइए कि लिखता हूँ लास्ट में, उसमें मत जाइए, आप ये समझिए, इसमें जो समझिए मैं पत्र लिखता हूँ, ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य इसलिए है क्योंकि इसमें जो लिखने का जो एक्शन जो है, एक्शन जो है वो मतलब क्या बता रहा है, इसका एक हैबिचुअल बताता है, एक मतलब एग्जैक्ट एंड प्रेजेंट टाइम में ये काम हो रहा होता है कि मैं पत्र लिखता हूँ। तो सब्जेक्ट कौन है, कुछ कार्य करने वाला, मैं। अब उसका ऑब्जेक्ट क्या है, लिखना, मतलब पत्र है, और मेन वर्ब क्या है, लिखना। किस वक्त पे लिख रहा है, इस प्रेजेंट टाइम में लिख रहा है, एग्जैक्ट टाइम में लिख रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। तो मैं पत्र लिखता हूँ, इसको सबसे पहले आपको समोसा याद रखिए, क्या याद रखना है आपको, समोसा, एस एच एम ओ, दैट इज समोसा, ओके। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पहले आप लिखोगे, बोलोगे बोलते समय, ओके। सब्जेक्ट शुरुआत में ही होते हैं जनरली, एंड सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेन वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एनी सेंटेंस, ओके। तो सब्जेक्ट याद करने के बहुत आसान तरीके हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, एक साइड आपका होगा आई यू वी दे और प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर इट मींस दैट बहुवचन जिसे बोलते हैं, ओके। एक सब्जेक्ट ये हुआ, दूसरे सब्जेक्ट इधर लिख देता हूं मैं, ही सी इट और एस एन मींस सिंगुलर नंबर, ये दूसरा, दो हाथ है, एक सब्जेक्ट ये मानिए, एक सब्जेक्ट ये मानिए, इंग्लिश में इतने ही सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है, ओके। तो आपका सब्जेक्ट मतलब कर्ता जिसके द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, वो है क्या है, मैं। मैं मतलब काहे का काम करता हूँ, लिखने का वर्ब हुआ, क्या लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, एस एच एम ओ में सबसे पहले सब्जेक्ट डालिए यहाँ आई, ओके। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, इट मीन्स दैट वी डू नॉट यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन जब निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसके लिए है, अफर्मेटिव के लिए, ए फॉर अफर्मेटिव के लिए है, ठीक है। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि सेंटेंस निगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं, डायरेक्ट अफर्मेटिव सिंपल है। हाँ, तब लगाओगे डू और डज जब सेंटेंस को एम्फसाइज करके बोलोगे, एम्फसाइज इट मीन्स कि मैं पत्र लिखता तो हूँ, मैं पत्र अवश्य लिखता हूँ, तब लिखोगे आई डू राइट अ लेटर। लेकिन सिंपल रहेगा तो आई राइट अ लेटर, ओके। तो क्या लिखोगे यहाँ, आई, इसके बाद ये नहीं लगेगा, डायरेक्ट क्या लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब है राइट है लिखना, इसका फर्स्ट फॉर्म है राइट, ओके। अब वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आपको एस ई एस आई एस लगाना है, समझिए। इफ योर सब्जेक्ट्स आर आई यू वी दे एंड प्लूरल नंबर, सो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज ओनली 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 फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मैंने बोला यदि आपका सब्जेक्ट ये वाले होंगे आई यू वी दे और प्लूरल नंबर, तो मेन वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इट इज क्लियर। इफ योर सब्जेक्ट इज ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर, यदि यहाँ आपका सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नंबर आए, तो ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको हमेशा एस ई एस आई एस लगाना पड़ेगा, इट इज क्लियर, ये याद रखिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या लगा है, आई, ये वाला पार्ट का लगा है, तो हम मेन वर्ब का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट, लिखने का काम करता हूँ, लेकिन क्या बुक लिखता हूँ, पत्र लिखता हूँ, तो लेटर लिखता हूँ, तो यहाँ हम लिखेंगे ए लेटर, एक व्यक्ति एक समय में एक ही पत्र लिखेगा, इसलिए ए लेटर, ओके। अब इसी सेंटेंस को यदि मैं कहूँ
वह पत्र लिखता है, इसी से स्पोकन इंग्लिश बनता है, मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं, ठीक है। वह पत्र लिखता है, ओके। अब सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, वह, वह मीन्स कोई पर्सन है, ओके, ही हुआ, यानी सब्जेक्ट अभी ये आया, ओके। अब जो है हमको हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा नहीं, क्योंकि अफर्मेटिव चल रहे हैं अभी, जब निगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तो डू नॉट डिज नॉट लगाएंगे, इट इज़ क्लियर। तो ही हुआ, अब फिर मेन वर्ब आ गया, ये तो लगेगा नहीं, डायरेक्ट मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है, लिखना है, तो लिखना का हम क्या लिख दिए यहाँ, राइट लिखे, लेकिन यहाँ अभी अब हमको और बनाना है। मैंने बोला था यदि हमारा सब्जेक्ट, इफ़ आवर सब्जेक्ट इज आई यू वी दे एंड प्लूरल नंबर यदि यहाँ होंगे तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नंबर ये वाले रहेंगे यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा एस ई एस आई एस लगाएंगे, तो ही राइट नहीं क्या होगा यहाँ, ही राइट्स होगा, हो जाएगा, ठीक है। और मेन आपके एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, ही राइट्स अ लेटर, ओके। इसी तरह से आप सेंटेंस जब स्पोकन इंग्लिश बनाओगे तो उसके लिए सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। मैं कहूँगा मैं कॉलेज जाता हूँ, सिंपल सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, आई गो के साथ एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है, आई गो टू स्कूल, सॉरी आई गो टू कॉलेज, वह कॉलेज जाता है, ही गो नहीं, ही गोज टू कॉलेज, सी गोज टू कॉलेज, राम गोज टू कॉलेज, सॉरी, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट ही सी एट और सिंगुलर नंबर रहेंगे तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस आई एस लगाना पड़ेगा, ये है। तो आपकी जो एमपी बोर्ड की स्कूल में होते हैं तो उसमें ट्रांसलेशन 5 नंबर का आता है, तो उसमें यही शब्द यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक शब्द इसका प्रयोग जैसे हैबिचुअल एक्शन के लिए बताया मैंने, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए बनाया, मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए बताया, और एक पोसेसन के लिए भी किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पोसेसन, ये पोसेसन का मतलब होता है जिसके स्वामित्व आप हो, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्वेल्थ में हमेशा पूछा जाता है स्कूल में, ये भी बता देता हूँ मैं, उसमें सिंपल सा क्या रहता है, हाँ, जैसे मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, ओके, ये सेंटेंस आ गया, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। अब यहाँ ता है तो ये देखने की जरूरत नहीं, इसको समझना है, एक्शन को समझना है, एक्शन प्रेजेंट टाइम में है कि नहीं। तो जो पोसेसन वाला है, यानी मेरी कक्षा की जो पोसेसन है, स्वामित्व में है, तो ये अब इसको, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। अब शुरुआत में जैसे आई और वी रहा तो हमने आई और वह रहा तो ही कर दिए, तो इसमें मेरी कक्षा को माई क्लास तो करेंगे नहीं, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानो जिसके द्वारा कुछ कार्य किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ मेरी कक्षा तो आपका ऑब्जेक्ट हुआ, 50 विद्यार्थी आपके एक तरह से मेन वर्ब हुए, और इसका जो सब्जेक्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है, है ना। तो ऐसे सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट किसका प्रयोग किया जाता है, देयर, ओके। ये हुआ क्या है आपका, देयर, देयर सब्जेक्ट लग गया। अब जब यहाँ प्लूरल नंबर होंगे आपके मेन वर्ब में, ठीक है, तो एक स्टूडेंट नहीं है वहाँ, 50 स्टूडेंट हैं। जब एक रहेगा तो देयर इज वन स्टूडेंट रहेगा, अब जब वो मोर देन वन रहेंगे, एक एक से अधिक रहेगा, तो यहाँ देयर आर हो जाएगा, ओके, देयर आर, अब कितने स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट्स, ओके, 50 स्टूडेंट्स इन माई, ये ऑब्जेक्ट को लास्ट में कर दो, इन माई क्लास, ऐसे लिखना। ये हर वर्ष आपके 10th और 12th के जो 5 नंबर के ट्रांसलेशन में आते हैं, पूछे जाते हैं ये, तो क्योंकि ये वीडियो में शुरुआत से बोला हूँ, ये कॉलेज लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्कूल्स लेवल के लिए होते हैं, क्योंकि इंग्लिश सेम ही है, चाहे आप कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, यूनिवर्सिटी में पढ़ो। तो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ओके। इस तरह से पोसेसन में और होते हैं, मेरे दो भाई हैं, इसका क्या लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे दो भाई हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना, क्या मतलब, आपके कितने भाई हैं, इंग्लिश में बोलोगे यस आई हैव टू ब्रदर्स, क्या बोलोगे, आई, मेरे को माई नहीं बोलोगे यहाँ, आई होगा सब्जेक्ट, आई, ओके, आई, अब होने को दर्शाता है तो पोसेसिव के लिए हैव लगाना पड़ेगा आपको। वैसे हैव और हैज जो है परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन ये परफेक्ट टेंस नहीं है, ये पोसेसन वर्ब वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आई हैव टू ब्रदर्स, यदि रहेगा मेरे दो भाई और एक बहन है, तो आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, ओके। आप कहोगे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक पेन है,
आई हैव अ पेन, इस तरह सेंटेंस बनाओ, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक, आपके पास एक बुक है, यू हैव अ बुक, ओके। अब हम जब ही सी इट वाला कहेंगे तो हैव नहीं, वहाँ हैज लगाएंगे, हम कहेंगे उसके पास 10 रुपये है, ही हैज 10 रुपीज, ओके। उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन, ओके। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस होते हैं, ठीक है। अब जब आप, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसके निगेटिव जब बनाना रहेगा तो निगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग यहाँ करना पड़ेगा। मैं निगेटिव की थोड़ा सा एक सेंटेंस बना देता हूँ जल्दी से। ये हुआ आपका सब्जेक्ट, अब हेल्पिंग वर्ब लगेंगे डू नॉट और डज नॉट। अब जब निगेटिव बनाओगे तो मेन वर्ब का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहेगा, एस सी एस लगाने की झंझट नहीं रहेगी क्योंकि एस सी एस इसमें लग जाते हैं। लास्ट में हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ओके। ये निगेटिव सेंटेंस के लिए है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, क्या ही गोज टू कॉलेज एट 10 AM, ओके। वह 10 बजे कॉलेज जाता है। तो इस प्रकार के आपके इंग्लिश में क्वेश्चंस आएंगे, या आप मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्वेश्चन है ये आपके सामने, क्वेश्चन है ही गोज टू कॉलेज एट 10 AM। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस, ओके, चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को पहचानना है आपके जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, उसमें अब क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे एक ये पेपर है मेरे सामने, ओके, इसमें यही क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, एक है हरी परचेस्ट अ न्यू कार, चेंज इनटू निगेटिव, ओके, और ये है दे सेंट द रिप्लाई ऑफ द लेटर मेक निगेटिव, इस तरह से। तो आपके सामने ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गया, ही गोज टू कॉलेज एट 10 AM, वह 10 बजे कॉलेज जाता है, अब यहाँ रहेगा मेक निगेटिव, इसके सामने लिखा रहेगा मेक निगेटिव, इसको निगेटिव बनाओ। तो सबसे पहले इसको समझोगे कि कौन से टेंस की अफर्मेटिव, तभी तो आप निगेटिव बनाओगे, है ना। तो कोई भी सेंटेंस को पहचानने की आसान विधि होती है ये समोसा को हमेशा याद रखना कि सर ने समोसा खिलाया था करके। शुरुआत के सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट ही हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ दिया है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब पूरा जब उस टेंस कंप्लीट कर लूँगा तो मैं एक चार्ट बना दूंगा, आप उसमें आसानी से समझ जाएंगे। डू डज, एम इज आर, हैज हैव, हैज बीन, हैव बीन, प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। और इसके बाद आपका आ गया डिड, पास्ट टेंस में, वाज, वेयर, हैड, हैड बीन, पास्ट टेंस की, सेल, विल, सेल बी, विल बी, सेल हैव, विल हैव, सेल हैव बीन, विल हैव बीन। तो जितने मैंने हेल्पिंग वर्ब बोला क्या यहाँ है, नहीं है। तो तुरंत ये समझ जाना, यदि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं दिया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा या कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होगा, याद रखिए। सिर्फ दो ही टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। फिर कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि पास्ट इंडेफिनिट का है, बहुत आसान तरीका है। इफ योर मेन वर्ब इज गिवेन ओनली फर्स्ट फॉर्म, यदि आपका मेन वर्ब उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और यदि आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, जैसे ये वाला गो फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो समझ जाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। और यदि यहाँ सेकेंड फॉर्म जैसे वेंट रहता, ही वेंट टू कॉलेज, ओके, यदि सेकेंड फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो समझ जाना पास्ट इंडेफिनिट का होगा। बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, सिर्फ दो ही टेंस ऐसे हैं अफर्मेटिव के जिनमें नहीं लगता, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, इसको बस याद रखिएगा। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा और पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो सेकेंड फॉर्म दिया रहेगा। तो यहाँ गो कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, इट मीन्स दैट दिस सेंटेंस फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समझ गए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की एक्टिव पैसिव में बताऊंगा, उसके पहले ये इंपॉर्टेंट, जब तक टेंस नहीं बनेगा एक्टिव पैसिव नहीं बनेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिव पैसिव, ओके। क्योंकि इसको निगेटिव बनाना है तो हम समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को निगेटिव में बनाने के लिए फिर यही समोसा देखो, एच लगाना है, अब एच तो लगाना ही पड़ेगा निगेटिव के लिए, तो एच क्या लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें होते हैं डू नॉट होता है और डज नॉट होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सिंपल से लगा दो। फिर सब्जेक्ट में बार बार बोल रहा हूँ, दो ही हाथ के सब्जेक्ट हैं, आई, यू, वी, देयर, प्लूरल नंबर, यदि आपका सब्जेक्ट रहेगा तो आपको डू नॉट लगाना है। क्या बोला मैंने, यू हैव टू यूज डू नॉट इफ योर सब्जेक्ट इज आई, यू, वी, दे, प्लूरल नंबर, और यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर हो तो आपको डज नॉट लगाना है।
और मेन वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ध्यान दीजिए, यह गोज है ये सब हट जाएगा, देखो ही है यानी ये वाला हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, ही डज नॉट, ओके, हेल्पिंग वर्ब निगेटिव बनाने के लिए हुआ। ये समोसा है, इसको बस थोड़ा सा माइंड में याद रखना है, SHMO यही तो है समोसा, ओके। ही डज नॉट, अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब गोज है, तो इसको गोज को क्या कर देंगे यहाँ, गो करेंगे, SES कट जाएगा क्योंकि यहाँ लग गया है, ठीक है। तो ही डज नॉट गो टू कॉलेज एट 10 AM, निगेटिव बन गया, ओके। अब मैं कहूँगा आई गो टू कॉलेज, निगेटिव बनाओ, आई डू नॉट गो टू कॉलेज, ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद जब इसका इंट्रोगेटिव रहेगा, समझ में आया निगेटिव, अब आगे बढ़ते हैं हम लास्ट वाला इंट्रोगेटिव, क्योंकि एक दिन में मेरा ये है कि एक वीडियो में कम से कम एक टेंस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो निगेटिव बनाने के लिए एक सेंटेंस उसका भी सीख लीजिए, निगेटिव इंट्रोगेटिव, आई फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। स्पेलिंग होता है इंटेरोगेटिव, ओके। ये इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या लगेंगे, डू या डज पहले लगेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा, इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद मेन वर्ब का भी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा और ये क्वेश्चन मार्क की चिन्ह लगा रहेगा, बस। अब देखो इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम WH एंड सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट इज स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। एक इंट्रोगेटिव वह होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, डज सी गो टू कॉलेज टुडे, ओके, हेल्पिंग वर्ब से हुआ, और क्वेश्चन वर्ड से हुआ WH से, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट, ऐसे होता है, ठीक है। तो अभी हम डू डज वाला बनाते हैं पहले, इसके बाद वो नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा, ठीक है। अब सिंपल सा जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा था, क्या आई राइट अ लेटर, ये सेंटेंस हमने लिखा था, आई राइट अ लेटर। अब यहाँ एग्जाम में पूछा जाएगा मेक इंट्रोगेटिव, मेक इंटेरोगेटिव। अब इसको प्रश्नवाचक बनाना है, फिर समझ रहे हैं हमको, प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे इसको, क्वेश्चन सेंटेंस, भाई सेंटेंस को जब तक समझोगे कि किस टेंस का है तभी तो हेल्पिंग वर्ब से बनाओगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से बनेगा ये, है ना। अब कैसे, फिर वही देखोगे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म दिया है, रोट रहता तो पास्ट इंडेफिनिट का रहता, सेकेंड फॉर्म दिया रहता, तो क्या हो जाएगा ये, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो आई सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू, डू, ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, समवन इज कॉलिंग टू मी, ओके, यस, सो डू, आई, डू कहां से लिए, आई से लिए, तो डू कैपिटल रहेगा, डू आई राइट अ लेटर, सॉरी लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे, कॉलेज में यही पूछे जाते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए एक एक दो दो क्वेश्चन आएंगे, 10th 12th और मिडिल स्कूल में आपसे ये पूछे जाएंगे, माँ खाना बनाती है, मदर कुक्स फूड, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं प्रत्येक संडे मंदिर जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल एवरी संडे, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, और जैसे मेंटल एक्टिविटीज़ का रहेगा, वी बिलीव इन गॉड, ओके, और जब आपके यूनिवर्सल ट्रूथ वाले क्वेश्चन रहेंगे यहीं से बनेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स राउंड इन द सन, 2 and 2 make 4, ओके, यूजुअली, जनरली, ये सारे सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूछे जाते हैं। और मैं आई होप दैट कि दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि नॉलेज को जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ता है, और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और इसको रटना नहीं है, जो भी मैंने बताया आप पेन कॉपी लीजिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, आसानी से बनेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, इसके बाद आप जब पूरे टेंस को कंप्लीट कर लेंगे तो यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, ओके, एंड यू हैव नो एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस,
and how to change direct into indirect speech. That is one of the most important part from grammar course. Okay, so the base kya hai aapka? Tense है. Tense यदि बनता है तो आपको सब कुछ बनता है. आपको spoken English आएगा और tense से ही आपको क्या spoken English में क्या बोली जाती है. इसमें एक बार जब मैं ये परफेक्ट करा दूँ ना थोड़ा सा आपको helping और main और वगैरह, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि spoken English यहीं से होती है. मैं उसको एक स्ट्रक्चर से बताऊँगा. जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, व्हेन आई वेंट टू योर होम यू वेयर प्लेइंग फुटबॉल. ओके, तो इस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है. आई एम राइटिंग अ लेटर, व्हेन आई वेंट टू योर रूम यू वेयर राइटिंग अ लेटर. ओके, व्हेन वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट दे केम टू हियर. जब हम क्रिकेट खेल रहे थे वो यहाँ आए. तो इस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर करके स्पोकन इंग्लिश बनाई जाती है, की जाती है, क्योंकि बहुत इजी है. तो सबसे पहले टेक इट इजी, एंड इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिंक लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज. आपको इसमें अच्छा कमांड होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपका बेस्ट होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए. और करियर से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कि आप मुझे पूछ सकते हैं. मैं कॉलेज में करियर का इंचार्ज हूँ. ओके, करियर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हमने इसके लिए प्रोग्राम भी करते हैं. अभी फर्स्ट ईयर के लिए हमने रखा और नेक्स्ट हम सेकेंड ईयर फाइनल के लिए भी रखेंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत सीखने को मिली होगी, एंड आई होप दैट कि दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. एंड वंस अगेन गुड लक एंड थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.